नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है? ठीक। और भारत भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है? क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर A8 7200 किलोमीटर का, ठीक है? सी रेल रोड सी रूट, इसको ध्यान रखिएगा, सी का मतलब सी रूट, रोड का एक मल्टी मोड नेटवर्क है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, जहाज रेल सड़क मार्ग है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक। यह मुख्यतः तीन देशों के बीच में, ठीक है? मुख्यतः तीन देश, ईरान रूस और भारत के बीच में है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, भारत ईरान और रूस या फिर रसिया, ठीक है? रसिया के बीच में, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। जिसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी और ये हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है? कभी रसिया इसको लेके चर्चा में रहेगा, कभी ईरान इसको चर्चा में कर देता है, और कभी भारत इसको चर्चा में कर देता है। इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और इसकी इम्पोर्टेंस को मैं समझाने के लिए आप लोगों को ले चलता हूँ वर्ल्ड मैप पे और दिखाता हूँ क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसको लेके काफी हमेशा चर्चा होती रहती है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है? और यहाँ पे है मुंबई शहर, ठीक है? अब मान लीजिए कि मुंबई शहर से हमें सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है? सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग में हमें गुड्स भेजने हैं, ठीक है? सामान भेजने हैं, गुड्स, ठीक है? तो हमारा जो स्टैंडर्ड रूट होगा, स्टैंडर्ड रूट वो कौन सा होगा, ठीक है? यहाँ से हम सी रूट से यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने पे यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है? मंदेब ये स्टेट है, यहाँ आएंगे इस रूट से, देखिए ये रूट बना दे रहा। फिर हम रेड सी से, ठीक है, ये रेड सी, ये वाला रेड सी है, रेड सी से हम स्वेज कैनाल होते हुए, स्वेज कैनाल यहाँ पे, स्वेज कैनाल होते हुए हम मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, होते हुए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है। याद करिए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दो देशों के बीच में है, ठीक है? देखिए, स्पेन और मोरक्को यहाँ पे देख रहा है, मगर अगर माइन्यूट स्तर पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जिसको यूनाइटेड किंगडम मॉनिटर करता है, या फिर पॉलिटिकली उसपे यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हिस्सा है। तो इसको मेन रूप से अगर देखा जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को के बीच में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ से मेडिटेरेनियन होते हुए हम लोग स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करते हुए नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल, ये वाला इंग्लिश चैनल है, ठीक है? इंग्लिश चैनल को पार करते हुए डेनमार्क के इस रास्ते से होते हुए बाल्टिक सी में आ गए। ये हमारा क्षेत्र जो है बाल्टिक सी से होते हुए हम आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है? ये रूट है, देख लीजिए इसको, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक। और सब चीजों को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और सब चीजों को इरेज कर दे रहा हूँ, केवल रूट को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, रूट को छोड़ दे रहा हूँ। तो इस रूट को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? देखिए, ये पहुंचते हैं हम सेंट पीटर्सबर्ग। अब इसका एक बहुत बड़ा रूट हो गया है, इसका एक अल्टरनेटिव रूट भी है, ठीक है, जिसको हम मान लीजिए कि ये हमारा, देखिए यहाँ पे कांडला पोर्ट है, ये है मुंबई पोर्ट, दोनों जगह से हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं और ये देखिए, ये आते हैं स्टेट ऑफ हरमूज, ये स्टेट ऑफ हरमूज है, ठीक है? स्टेट ऑफ हरमूज ओमान, ओमान और ईरान के बीच में है, ध्यान रखना है, ओमान और ईरान के बीच में। और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे
ईरान का एक पोर्ट है बंदर अब्बास, ठीक है, बंदर अब्बास जो है, बंदर अब्बास ईरान का पोर्ट है, ठीक है। यहां तक हम सी रूट से चलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को समझने की चीज है। फिर यहां से हम देखिए सी रूट से यहां तक पहुंचते हैं बंदर अब्बास तक, बंदर अब्बास से हम आते हैं ईरान की राजधानी तेहरान तक, ये है तेहरान, ठीक है। तेहरान से यहां से पोर्ट पे जाते हैं, पोर्ट से ये देखिए कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी यहां तक पहुंचते हैं, और कैस्पियन सी से हम सीधे यहाँ पे रसिया में एंटर करते हैं, और यहां से आते हैं मास्को, और मास्को से पहुंचते हैं हम सेंट पीटर्सबर्ग, ये है मास्को और ये है सेंट पीटर्सबर्ग। तो देखिए ये वाला जो रूट है ना, यही हमारा ना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ठीक है। ये रूट मुंबई से स्टेट ऑफ हरमूज होते हुए बंदर अब्बास पोर्ट, और बंदर अब्बास पोर्ट से हम तेहरान, जो ये ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ से होते हुए हम मास्को पहुंचते हैं। ये हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ये जो हमारा रूट है ना, ये वाला रूट मान लीजिए, इस रूट वन है, ये रूट टू है, ठीक है। तो इससे 40% शॉर्टर है, ठीक है, 40% छोटा है, और इसमें जो कास्ट आती है इसके मूवमेंट में, और इसमें जो कास्ट आती है उसमें 30% लेस कास्ट आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, ठीक है। थोड़ा सा इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को और ब्रॉडली समझते हैं, और इसकी और इंपॉर्टेंस क्या, इस चीज को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ, और एक एग्रीमेंट, एक थोड़ा सा विजुअलाइज पिक्चर है जिसको मैंने नेट से उठाया हुआ है, जिसका भी हो मैं उसको क्रेडिट दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है, उन लोगों का है। तो इस चीज को तो आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक। ये देखिए ये है हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल कर दीजिए, ठीक है। और ये है हमारा स्टैंडर्ड रूट, ठीक है, स्टैंडर्ड रूट जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये मुंबई से हमारा, ये मुंबई शहर है हमारा, मुंबई शहर, ठीक है, मुंबई सिटी, ठीक। और यहाँ से गुड्स चलता है, ठीक है, गुड्स यहाँ से आता है स्टेट ऑफ अलमंदेब तक, ठीक है, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है, यहाँ आता है। फिर ये रेड सी है, इसको ध्यान रखिएगा, रेड सी, मेडिटेरेनियन, ये है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, ठीक है। ये भू मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को स्वेज कैनाल जोड़ती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिटेरेनियन से ये आ गई स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पे, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पे हम पहुंच गए, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से नॉर्थ सी होते हुए ये है हमारा इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल होते हुए यहां से हम बाल्टिक सी से हम सीधे सीधे सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच गए, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में हम पहुंच गए, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से हम आ जाते हैं यहाँ पे मास्को, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से हम आते हैं मास्को पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, यहीं से अब देखिए मुंबई से यही गुड्स जो है यहाँ आता है, स्टेट ऑफ हरमूज आता है, और स्टेट ऑफ हरमूज से बंदर अब्बास जो पोर्ट है, बंदर अब्बास से यहाँ तेहरान आता है, और तेहरान से, ठीक है, देखिए एक कैस्पियन सी, कैस्पियन सी होते हुए ये अस्तराखान पहुंचता है, ठीक है, अस्तराखान से मास्को पहुंचता है, मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है। दो रूट हैं, देखिए एक ए रूट, ठीक है, एक ए रूट, इसकी दूरी है 7200 किलोमीटर, ठीक है। ए रूट आप लोगों को देखने में कितना बड़ा लग रहा है, तो इस चीज को नोटिस करिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके और भी इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा इस चीज को मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, एक एग्रीमेंट है अस्काबाद एग्रीमेंट, ठीक है, अस्काबाद एग्रीमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो जो सेंट्रल एशिया के देश है ना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था ये, ठीक है, और भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं अस्काबाद एग्रीमेंट पे आता हूँ, ठीक है। तो अस्काबाद एग्रीमेंट को देख लीजिए, तो देखिए ये अस्काबाद एग्रीमेंट,
अस्काबाद एग्रीमेंट है क्या? ठीक, अस्काबाद एग्रीमेंट देखिए, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, मेनली सेंट्रल एशिया के देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद ओमान के सरकारों के बीच में एक समझौता है, और इस सरकारों के बीच में समझौता का जो मेन कारण क्या था? गुड्स का आवागमन। ठीक है, देखिए ये जो देश है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, लैंड लॉक कंट्री है, तो लैंड लॉक कंट्रियों में कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती है, तो इनको एक ये देश एक दूसरे के भरोसे रहते हैं अपने गुड्स के आवागमन के लिए, दूसरे देशों के व्यापार के लिए। तो ये इसका जो मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य गुड्स के परिवहन को लेके है। तो ये अस्काबाद एग्रीमेंट जो है, इसका भारत भी इसका पार्ट है, और अस्काबाद जो है ना, एक तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और वहीं पे इस एग्रीमेंट को किया गया, तो इसका नाम अस्काबाद एग्रीमेंट रखा गया, भारत भी इसका पार्ट है। तो अब देखिए थोड़ा सा फिर से मैप पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये मुंबई शहर हो गया, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पहुंचने पे ईरान हो गया, ईरान जो है अस्काबाद एग्रीमेंट का पार्ट है, इंडिया अस्काबाद एग्रीमेंट का पार्ट है। अब यहाँ से हम सीधे तुर्कमेनिस्तान में पहुंच सकते हैं, अब उज्बेकिस्तान में पहुंच सकते हैं, कजाकिस्तान में पहुंच सकते हैं, इसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान को हम जोड़ सकते हैं, ताजिकिस्तान को भी जोड़ सकते हैं, और यहाँ से अफगानिस्तान को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। ठीक, दूसरा इम्पोर्टेंस यहाँ से देख लीजिए, दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से जैसे गुड्स को हम यहाँ से गुड्स को लेके हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ से गुड्स को लेके चलते हैं, मुंबई पोर्ट से बंदर अब्बास पहुंचे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पहुंचेंगे और हम सीधे तुर्की पहुंच के बास्फोरस स्ट्रेट, बास्फोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी है और ये मेडिटेरेनियन सी, दोनों को जोड़ता है। बास्फोरस स्ट्रेट होते हुए देखिए ये बुल्गारिया, यहाँ से पहुंच जाएंगे बुल्गारिया देश, रोमानिया, मालडोवा, यूक्रेन, ठीक है, हंगरी, फिर से ये क्रोएशिया, यहाँ से ग्रीस, सर्बिया, सभी अल्बानिया होते हुए ये हम लोग पोलैंड, बेलारूस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ईस्टर्न यूरोप को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा, आप लोग यहाँ से देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की इम्पोर्टेंस और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी कमेंट करें। अगर ना पसंद आई हो तो हमें बताएं कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या इसमें हमें सुधार करने की जरूरत है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।